मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। देश के इन राज्यों में आज भारी बारिश के आसार, जाने दिल्ली से यूपी के मौसम का हाल। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज कोहरे के साथ बादलों का डेरा रह सकता है। इसके बाद 11 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। देश भर के कई राज्यों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण से राहत और के आसार हैं। इसके अलावा दक्षिण राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली का मौसम। आईएमडी की ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज कोहरे के साथ बादलों का डेरा रह सकता है। इसके बाद 11 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फिर हर दिन दिल्ली के तापमान में कमी की उम्मीद है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और इसके बाद तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहां आज घने कोहरे के आसार हैं। हालांकि यहां तापमान में कोई खास तब्दील की उम्मीद नहीं है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है। नोएडा में हल्के कोहरे की संभावना है। यहां तापमान 16 और 30 दर्ज किया जा सकता है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। प्रदेश में आज आंधी तूफान के साथ बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि निचले क्षेत्रों में मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश की बौछारें को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की आशंका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 11 नवंबर को मौसम खराब रहेगा। इस दौरान हालांकि आंधी तूफान का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 11 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। 11 से 14 नवंबर को तक प्रदेश में धूप खिलने के आसार हैं। आने वाले दिनों में अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो प्रदेश में तापमान गिरावट आ सकती है। इसमें तापमान और अधिक गिरता जा सकता है। अभी शिमला में ज्यादा ठंड निचले क्षेत्रों में है। हिमाचल में बारिश बर्फबारी आशंका देखते हुए पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।